सीएम शिवराज ने दिया एक और तोहफा, गरीबों को मिल रहा संबल योजना का फायदा, श्रमिक परिवारों के खातों में ट्रांसफर की राशि। जैसा श्रम मंत्री जी बता रहे थे, 26,000 से ज्यादा हमारे वो भाई और भाई बहन जो संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, उनके खाते में 583 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। ये इन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी। दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरा दर्शन दिया है, वो कहते थे कि दरिद्र ही नारायण है, मजदूर भी नारायण है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के बराबर है। और इसी भाव से प्रेरित होके 2018 में हमने संबल योजना बनाई, और संबल योजना में हमने कई चीजें तय की थी। संबल में हमने तय किया था कि हमारे गरीब भाई बहन, मजदूर भाई बहनों को 3 तरह की रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और ऐसी मूलभूत आवश्यकता होती है कि जब वो संकट में आ जाए तो उनको सहायता की जरूरत होती है। बीमारी के समय, प्रसूति के समय, दिव्यांगता के समय, परिवार का मुखिया चला जाए तो उस समय घर और परिवार हम कैसे चला पाए। ये संबल योजना का विचार जब मेरे मन में आया था तो मेरी आंखों में एक दृश्य था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गांव में अगर कोई मजदूर बहन जो मजदूरी करती थी, बेटा बेटी को जन्म देने की स्थिति में, वो जन्म देने के 2-3 दिन पहले तक भी काम करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, अपने दूध मुहे बच्चे को या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। एक तरफ मैं देखता था ऐसे दृश्य, मेरी आंखों से कभी जाते नहीं, अगर भैंस भी पड़ा जनती थी तो उसको भी दलिया जैसी चीज खिलाते थे और माथे पे एक पट्टी बांध देते थे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो जानते होंगे। और मैंने देखा कि वो बहन भी जिसने बेटा बेटी को जन्म दिया है, 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, माथे पे पट्टी बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। तब ये विचार मन में आता था कि भगवान, इस बहन को घर में आराम करने का मौका कब मिलेगा बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और मूलतः इसी भाव में से संबल योजना का जन्म हुआ।